हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर रिएक्शन वीडियो। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ लेके आई हूँ रिएक्शन में। सबसे पहले तो जो चैनल पे नया है, मैं बोलना चाहती हूँ भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो वैसे आजकल, फिर भी कर रहे हो, अदरवाइज 34,000 से 35,000 पहुँचने में तो हमारी बैंड ही बच गई थी। लिटरली ऐसा लग रहा था कौन सा पहाड़ चढ़ रहे हैं हम लोग, पता नहीं जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो जो चैनल पर नया है चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। पहले वीडियो को लाइक करने से पहले मैं बता देती हूँ क्यों लाइक करना। इसलिए लाइक करना कि आज जो रिएक्शन मैं आप लोगों के लाई हूँ वो लाई हूँ जाम। तो जाम के ऊपर हम रिएक्शन लेकर आए हैं। और जाम क्या है, कोई मूवी नहीं है ये, यो हनी सिंह भाई, हनी पाजी का गाना आ गया है। और काफ़ी बढ़िया ये गाने का रिव्यूज़ जो मतलब मैं पढ़ रही थी, जैसे लोगों ने शेयर किया हुआ और ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। तो जाम गाने का रिएक्शन मैं लेकर आई हूँ। और रिएक्शन मैं अभी आजकल अकेले ही ला रही हूँ, उसका रीज़न भी आपको पता चल जाएगा जल्दी आने वाले टाइम में। फिलहाल हनी पाजी का तो भाई कोई तोड़ ही नहीं है, मतलब कहते हैं ना बचपन वाला, 90s वाले जितने भी लोग हैं जो देख रहे होंगे इस रिएक्शन को, वो लोग समझ सकते हैं कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। हम लोग कितने गाने सुने हैं हनी पाजी के, हर लेवल के, हर तरीके के, मतलब एक्सट्रीम जैसे कहते हैं ना, कोई तोड़ ही नहीं है म्यूज़िक इंडस्ट्री में कहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया हनी पाजी के सारे गाने होते हैं, एक नंबर। किसी भी तरह की एल्बम उठा के देख लो। अभी गाना सुनते हैं पहले ये वाला कैसा है, आप उतना टैलेंट रहा है या नहीं रहा है देख लेते हैं। नहीं नहीं यार, ये तो मजाक था बहुत ही बड़ा वाला। तो गाना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले फिर बोल रही हूँ जो नया सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर करना वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट जाम, हम भी थोड़ा जाम पी लेते हैं भाई गाना सुन के। लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक। यो यो हनी सिंह, जाम द कैसीनो सॉन्ग। यो यो हनी सिंह भाई, एंट्री तो होती है हमेशा से भाई, एक नंबर है, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। जुआ आशिक था आवारा पर मैं, हाँ एक बार फिर से इश्क हुआ। तेरी जुल्फ का जादू चल गया है मुझ पे, कैसे रखूं काबू, मरता हूँ मैं तुझ पे। तेरी जुल्फ का जादू चल गया है मुझ पे, कैसे रखूं काबू, मरता हूँ। बड़ा स्मूथ गाना गा रहे हैं यार, बड़ा मस्त लग रहा है मतलब। क्योंकि कमी नहीं है ये मेरी जिंदगी। नशे में, नशे में कुछ तो बात है ना, है ना। मजे में, मजे में तभी तो मैं रहता हूँ। हाँ वो पानी, वो पानी मत डालो मेरी शराब में, जाम को, जाम को रखता हूँ मैं हिसाब में। तेरी जुल्फ का जादू चल गया है मुझ पे, कैसे रखूं काबू, मरता हूँ मैं तुझ पे। तेरी जुल्फ का जादू चल गया है मुझ पे, कैसे रखूं काबू, मरता हूँ। स्मूथ लग रहा है गाना, मतलब बड़ी कमी क्या होता है जिंदगी। काला जादू छाया है, सब मोह माया है, मेरी चली किस्मत तो बने गवाया है। हिडन एजेंडा मोटा सो परेंडा, तेरे आगे दौलत शोहरत एंडा, केड़ी कुड़ी ते तो सड़ दिया बेबी, ओ तेरी सब तो बेस्ट फ्रेंडा। 30-60 कभी ना मैं नापू, कभी ना मैं नापू, कभी तो मैं बाबू, दारू कभी मेरा कुछ कर भी ना पाए, पर जब तुझे देखू हो जाता बेकाबू। पेपर्स आई एम स्पेंडिंग पेपर्स, दारू पीऊ मैं ना खाऊ उसके साथ वेफर्स। Papers, I'm spending papers. छलका दो वो जाम जिसके महंगे दाम, आज करूंगा रंगीन मैं दिन और मेरी शाम।
सिंगर, हनी सिंगर भाई कसम से, ये देख रहे हो लुक लास्ट में। बहुत बढ़िया भाई। सो मतलब इसमें तो मुझे पूछना ही नहीं है कि गाना लगा कैसा, मतलब मुझे तो ये गाना इतना बढ़िया लगा है कि अभी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मैं फिर सुनने वाली हूँ, फिर सुनने वाली हूँ। कुछ कुछ लाइन तो मुझे मतलब दिस इज द ओनली सॉन्ग कि फर्स्ट बार में मतलब मुझे ऐसे याद हो गई हैं लाइन्स जो हैं इसकी, मतलब कुछ कुछ स्टार्टिंग वाली लाइन्स जो थी, मतलब बड़ा स्मूथ और चिल सा म्यूजिक, जैसे गाड़ी में चलाओ और मस्त अपना यार जो ड्रिंक विंक करते हैं उनकी बात ठीक है, जो नहीं भी करते हैं अपना कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लो, कोई कुछ भी ले लो आप साथ में, कोई मोहितो वोहितो लो, आराम से मस्त चिल करो, बढ़िया एकदम। इतना बढ़िया गाना लगा है, मतलब बहुत ही ये मुझे इतना स्मूथ सॉन्ग लगा है। और जैसे हनी बाजी के सारे गाने होते हैं रैप वगैरह भी होती है, बट ये रैप भी था इसमें, लेकिन साथ में बहुत ही स्मूथ सा, बहुत ही प्यारा सा मतलब लगा है। और अन्नू ने भी ये गाना भी सुना नहीं है, वो हालांकि मेरे साथ रिएक्शन में नहीं है, बट श्योरली अब मैं इस रिएक्शन के बाद ये गाना दोबारा सुनने वाली हूँ, अन्नू को भी सुनवाने वाली हूँ। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको ये रिएक्शन कैसा लगा और ये गाना कैसा लगा, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी लोग हैं ना हनी बाजी के जो फैन और जो 90s वाले हैं वो तो फॉर श्योर होंगे ही होंगे, तो कमेंट में भाई आग लगा दो एकदम। सो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये रिएक्शन कैसा लगा। अभी जो भी नया है सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, और आप कमेंट में बता सकते हो कि नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए। अभी तब तक के लिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।